दोस्तों काफ़ी रूट कवर कर लिया हमने, काफ़ी तो नहीं, अभी तो हम थोड़ा ही आए हैं चंबा। यहाँ से मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर और होगा। अजय की ड्राइविंग और पीछे भैया सो गए हैं जागरा भैया। तो दोस्तों शुद्ध नीर मिला है हमें रास्ते में, उसको भरते हैं, थोड़ा पानी पीने के लिए हो जाएगा। इस पानी को फेंकेंगे और नया स्वच्छ ठंडा पानी भरेंगे। और गाड़ी हमारी खड़ी पीछे, हम भरते हैं पानी। पानी आ प्रेशर, नेचुरल प्रेशर है बस। ये 40, ये भी 40। तो दोस्तों हिमाचल में सेब ऐसे मिल रहे हैं जैसे दिल्ली में टमाटर मिलते हैं ना, मन नहीं भर रहा है सेबों से। नज़ारा देखिए, जहाँ सेब मिल रहे हैं वहीं सेब खरीद ले रहा है। बहुत सेब ले लिए, गाड़ी दिखाते हैं आपको, डिग्गी सेबों से ही भरी है। एक्साइज का छापा ना पड़ जाए। और सेब ये नाशपति सेब लीजिए। ये हमारी फलोदी गाड़ी। इसे खा के लाल लाल गाल हो जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं चंबा की मार्केट और भैया ने बताया है कि यहाँ पे है चंबा का चौगान।, चौगान बहुत फेमस चीज़ है। चंबा में आए और चौगान नहीं देखा, क्या देखा फिर? हाँ तो दोस्तों देख ही लेते हैं फिर, जब भैया ने बोल दिया है कि चौगान नहीं देखा तो क्या देखा। तो हम क्या देखेंगे और चौगान नहीं देखेंगे। और यहाँ पे लोगों दोस्तों यहाँ लोगों ने घर ऐसे बना रखे हैं बेहतरीन भाई साहब, ऐसे मतलब दिल्ली में भी हम एक बार को सोचे कि बनाए ऐसा घर ना बनाए। बहुत पैसा है चंबा के लोगों पे। उस चंबा के बस स्टैंड पहुँच गए, पुराना बस स्टैंड, यहाँ पार्किंग हो रही है। तो यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे हम और चंबा का चौगान देखते हैं, भैया ले जाएंगे जहाँ भी ले जाना है। तो दोस्तों ये है चंबा की मार्केट जहाँ हम घूम रहे हैं और भैया बाल बनाएंगे अभी। हम तो बाल में तेल लगा के सेट रखे, सुबह से बहुत तेल लगा रखा हमने। और भैया बाल हो गए सेट, भैया रे थोड़ा सही भैया ने बाल सेट कर लिए एकदम। तो दोस्तों ये रहा आई लव चंबा। भैया ने अंदर घुसते ही पहले बाल सेट किए क्योंकि फोटो खिंचानी थी। और अब पहुंच गए आई लव चंबा में हम। आई लव चंबा, एक्चुअली वी लव हिमाचल। दोस्तों ये जो ग्राउंड है पूरा और ये पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं चंबा का चौक, पूरा फैला हुआ है, देखोगे आप इधर से उधर तक। अभी थोड़े दिन पहले इसमें मिंजर मेला हुआ ना, मेला लगता है मिंजर। तो इधर दोस्तों मेला होता है इस पार्क में, इसे मिंजर मेला कहते हैं। होने वाला हो चुका है दोस्तों, वो आप देख लेना यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, किसी ना किसी ने वीडियो बनाई होगी। तो मिंजर मेला होता है, वो हो चुका है। हम सिर्फ घूमने आए, हमारा मकसद मेला नहीं है क्योंकि वो हो चुका है। चंबा मार्केट घूम ली है, बरखा हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, इसलिए ज़्यादा नहीं घूमी, फटाफट गाड़ी में बैठे, बारिश के चक्कर में थोड़ा जल्दी आना पड़ा हमें, इधर थोड़ा और घूम लेते हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी है, सब सामान मिलेगा, मंदिर भी है यहाँ घूमने लायक, बढ़िया। चंबा का चौगान बढ़िया, टोपियाँ बहुत सुंदर थी अभी हमने देखी, एक अजय ने ली हुई है, अभी अजय पहन के दिखाएगा, आज रात को ना चाहेंगे उसे चंबा टोपी। तो दोस्तों आई होप आपको ये चंबा का चौबान पसंद आया होगा, ये मार्केट पसंद आई होंगी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं खजियार और रास्ते में आपको बेहतरीन वादियाँ को दिखाते हुए जाएंगे।
तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, चंबा की मार्केट से निकल रहे हैं। काफ़ी शॉपिंग करी है अजय ने, हमारी डिग्गी पूरी ऐसे हम रस्ते से कुछ कुछ चीज़ें उठाते हुए जा रहे हैं हमने पूरी डिग्गी भर दी है सामान से मिल रही है उसको। हाँ, अब हम खजियार जा रहे हैं, खजियार से देखो क्या उठाते हैं दोस्तों। ओ है चंबा जहाँ भी थोड़ी देर पहले थे। दो दिन से काफ़ी हैवी रेन दोस्तों, और उसकी वजह से यहाँ पे भी पानी कैसा हो गया, बहुत धार से पानी आ रहा है और बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों से, ब्राउन कलर का पानी आ रहा है और अभी भी बादल लगे हुए हैं बहुत भयंकर, और नदियों का बहाव बढ़ गया है पहले से। बहुत ही दुखद समाचार, खजियार में लैंडस्लाइड होने के कारण हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। खजियार से रह गया था 14 किलोमीटर और अब हमें दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्लान में दिक्कत आई है। वैसे तो अभी तो सब कुछ सही चल रहा था जहाँ से भी हम आए और जहाँ भी हम गए, बट हम थोड़ा सा रूट चेंज करेंगे और देखते हैं आप किधर की ओर जाते हैं और आपको अपडेट करते हैं दोस्तों। पानी का बहाव देख लो कितना तेज रखा है, दो दिन की बारिश ने हाल कर दिया, सैलाब आ रहा नीचे। बाद एक और हमारा भंडारा इंतजार कर रहा है, बहुत भूख लग रही है, टाइम हो चुका है इस समय खाने का। क्या टाइम हो चुका है? 4:31 हो गए दोस्तों, बहुत तेज भूख लग रही है, अब खाना खाएंगे फिर आएगा समय। लंगर खाएंगे और फिर आएगा स्वालेंगे खाएंगे दोस्तों, भूख लगी है बहुत तेज, खाते हैं खाना। दाल पा देना थोड़ी पा। जय शंभू दोस्तों, इतना स्वाद लंगर था मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब बढ़िया तो भाई साहब ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़िया, इधर चटपटी बन रही है ऊपर से चाय, तो जहाँ जहाँ बढ़िया खा रहे हैं वहाँ वहाँ है स्वाद आ रहा है चाय बहुत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो जाएगी बढ़िया से हमारे पर सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया, दाल भी चावल भी, और उसके बाद चाय तो इन्होंने पिया। और वो क्या थे? हाँ फुल्ले बोले मुरमुले, क्या बोले जो तो बहुत ही टेस्टी थे, कमाल के। हम सब खाना खा के सेट रहते हैं भाई, चाय पिए बिना नहीं मानते गाड़ी चलानी होती ना तो चाय पक्की आ जाएगी खाना की बात है। तो दोस्तों बड़ा ही आनंद आया खाना खा के, पेट पूजा करके। ऑल दो हम थोड़ा लेट हो गए आज लंच करने में, 4:30 हो चुके हैं, तो अब हम सीधा अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा निकलेंगे और अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच के फिर सीधा डिनर करेंगे। तो आपको रास्ता दिखाते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है। और बारिश हो रही है, रिमझिम बरखा लगी है, ये देखो। हाँ आपको थोड़ा सा हम बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाले थे खजियार, जो इस बार कैंसिल हो चुका है इस ट्रिप में, आपको नेक्स्ट टाइम वहाँ लेके चलेंगे क्योंकि लैंडस्लाइड होने के कारण हम वहाँ से वापस लौट गए। अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे पालमपुर की साइड, जहाँ अजय का गाँव है, उसे गाँव नहीं बोलते हैं, अजय का शहर है मामागढ़ है। तो वहाँ से आंटी जी को उठाना है और फिर उसके बाद हम जाएंगे ठंडोल, हम अजय के गेस्ट हाउस में, आई एम द सेकंड वन। अगर टाइम रहा तो आपको टी गार्डन, हाँ, और अगर कल थोड़ा हम टाइम से उठ पाए और कहीं जा पाए तो आपको टी गार्डन जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको मणिखेत के दर्शन कराता हूँ मैं।
पर हमें नहीं पता है कौन सी जगह है। लेट मी सर्च और फाइंड करेंगे, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा यहाँ पे। ये है गोली, इस जगह का नाम है गोली, इसलिए हमने आपको गोली इसलिए थोड़ी सी गोली लगी आपको, लेकिन एक्चुअली में गोली देना नहीं चाहते थे हम, तो जो बनी कहते हैं बहुत आ गया अभी। दोस्तों बहुत दर्द रहा पैरों में, समय दोस्तों 5:30 हो रहे हैं समय, और हम आधे रास्ते में कहीं पे हैं। डलहौजी से हम कुछ 7-8 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पठानकोट आपको व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से, ये देखो दोस्तों, तुम्हें दिखाते हैं झरना, इस साल का सबसे बेहतरीन झरना। देखो दोस्तों रोड टूट गई है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल पूरा निकल गई है रोड जड़ से। हमारी गाड़ी अभी वहीं से आई है, और अभी रास्ता। तो दोस्तों ये जगह है दुनेरा, और जो ये जगह है ये सिर्फ आम पापड़ों के लिए मशहूर है। आपको इसमें हर एक दुकान छोड़कर सिर्फ आम पापड़ ही मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ आपको, ऐसे आम पापड़ लगे हैं जैसे कि लगाते हैं ना रोटियों की पत्तियाँ लगती है ना, घर में रोटियाँ बनती हैं। देखो आम पापड़ ही आम पापड़, चारों तरफ आम पापड़ की दुकान है। या काले नीले पीले लाल, ऐ देखो, ऐ देखो आम पापड़ी आम पापड़, अय्या ऐ देखो, वो देखो, जैफ ही बट रहे हो पर फ्री बट नहीं रहे, कहीं भी मोल देना पड़ेगा। ऐ देखो आम पापड़ की दुकान एक और, ऐ देखो आम पापड़ की मिलेंगे। हाँ बड़ी सी दुकान पसंद कर ली थी, अब यहीं से लेंगे हम सामान। अरे मैं तो नहीं चढ़ पा रहा पर। हाँ पापड़ों की टेस्टिंग चल रही है, दो तीन ये कौन सा है? ये स्ट्रॉबेरी है दोस्तों, जो इससे पहले वाला कराया था वो कौन सा है? कैरी, हरा वाला कैरी, कैरी ये कैरी है, लाल वाला स्ट्रॉबेरी है, और वो ये जो शुरू वाला सही था खट्टा मीठा दोस्तों, खट्टा मीठा हमारे बनता है जैसे आ गया ना दोस्तों। अच्छे हो गए आम पापड़, मज़ा आ रहा खा के, है ना? बहुत बढ़िया, अब लेते हैं यार फिर चलते हैं। तो कंफ्यूज कर रहे हो यार, ले लेते हैं बड़ा ज़्यादा हो गया भाई, कंफ्यूज कर रहे हैं भैया। देखना कौन आया, देखो दोस्तों कितने मीठे, मैंने कहा आया देखो दोस्तों कितने मीठे हो रहे हैं, मधुमक्खियों में चिपक रही हैं। मक्खी तो आएगी जी, वही तो कह रहा हूँ मीठे इतने हो रहे हैं मीठे। दोस्तों अजय ने आम पापड़ की दुकान लूट ली है और हमने भी थोड़ा बहुत टूटा सामान, अब आम पापड़ी खरीद के बाद निकल रहे हैं सीधा पालमपुर, और गाड़ी एकदम भरती जा रही है। आपको दिखाते हैं, कोई कमी नहीं है सामान भरने में। हम निकले थे हटसर से खाली खाली डिग्गी के साथ, धीरे धीरे हमने इसमें अपना सामान भर लिया है कि नीचे निकलने लग गए हैं, सामान बाहर निकलने लगा है, सेबों के पेपर थैले फटने लगे हैं। दोस्तों हमने बहुत बड़ा भाषण दिया और हमें कैमरा ऑन ही नहीं किया था। तो अभी हो चुके हैं 7:00 बज चुके हैं, धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, और अभी हमने जस्ट
आम पापड़ के बागानों से आम पापड़ लिए मंडी थी आम पापड़ की, तो वहाँ से आम पापड़ लिए हमने तरह तरीके के, मतलब खाए तो बहुत सारे, उसने बहुत सारे टेस्ट कराए, पर उसमें दो बहुत पसंद आए वो लिए हमने। और जगह जगह देखो रोड टूटी हुई है यार देखो, और अंधेरा होने वाला है। तो अभी जो हमारे को एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2 घंटे 45 मिनट पालमपुर के, तो जल्दी फटाफट पहुँचने की कोशिश करेंगे हम, और फिर वहाँ से करेंगे आंटी को पिक, और फिर वहाँ से निकलेंगे अपने गेस्ट हाउस की ओर, अजय गेस्ट हाउस वहाँ रात को आराम करके सुबह कोशिश करेंगे आपको कहीं अच्छी जगह दिखाने की, और फिर दिल्ली वापस, और नज़ारों का मज़ा लीजिए आप, और आप आवाज़ तेज कीजिए आज हम सुबह हिमाचल से चले थे फिर हमने पंजाब क्रॉस किया और फिर हिमाचल में घुसे सिर्फ जो लैंडस्लाइड की वजह से। अब यहाँ से दोबारा से हिमाचल लग गया है और हिमाचल में चले जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमें इसलिए पता चला क्योंकि अभी पुल क्रॉस करने के बाद हमारा टोल कटा है 40 रुपये का। उन्होंने कहा हिमाचल में आपने एंट्री की तो आपको पैसे देना पड़ेगा, तो हमने पैसा दिया है और फिर आगे निकले हैं। तो आज हिमाचल पंजाब हिमाचल हो गया है, आज हमारी भारी मुद्रिका बनी हुई है और भारी मुद्रिका आगे ड्राइवर ही है, तो थोड़ा सा 2 घंटे हमें आगे आना पड़ा है, बट ओ माय गॉड चौंधा तो 2 घंटे हमें आगे आना पड़ा है। अब यहाँ से वही 2 घंटे हमारे बचे हैं, उसके बाद आंटी को उठाएंगे, और अभी यहाँ से हमें दिखा रहा है हमें बचा करें बैजनाथ जा रहे हैं, और बैजनाथ हमें यहाँ से दिखा रहा है अभी कम से कम 70 किलोमीटर है ना, तो वही 60-70 किलोमीटर रह गया, इसलिए 2 घंटे दिखा रहा है, तो 2 घंटे दोस्तों लगेंगे। तो वंटी हम लाते हैं आपको पहुँचते ही, वो लग रहा है बच जाएंगे 11। देखो दोस्तों जगह जगह लैंडस्लाइड रखी है, यहाँ पे भी रखी है ये कांगड़ा के एयरपोर्ट के आसपास, ये देखो इतना पत्थर ऊपर से नीचे आ रखा है, और सब जगह यही हाल है हिमाचल में, बहुत जगह पे देखो बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, बड़ी मुश्किल से रोड खोली है लोगों ने, बारिश इतनी भयंकर हो रही है 2 दिन से, और ये देखो आगे देखो और आगे देखो आप अभी भी पानी कीचड़ बाहर आ रहा है, अभी भी पानी कीचड़ बाहर आ रहा है, और जय बोले जय बोले। देखो दोस्तों पूरा नीचे आ रखा है, बड़ी मुश्किल से रोड खोल दी इन्होंने, बड़ी मुश्किल से रोड खोली, देखो पूरा पहाड़ नीचे रखा है, अभी भी गाड़ी स्लिप हो रही है, गाड़ी भी ढंग से नहीं मूव हो रही, अपना पानी कीचड़ रखा है, देखो बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रखे हैं, ये देखो यहाँ पे भी रखा है पूरा नीचे, देखो पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस वाले आगे पीछे भेज रहे हैं बसों से गाड़ी से, तो ऐसा ही लैंडस्लाइड वहाँ भी हो रखा है खजियार के आसपास, इसीलिए हम वहाँ से नहीं जा पाए, तो सेफ। अरे दोस्तों या, 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 या। तो दोस्तों 9:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं पालमपुर हिमाचल मरिंडा पहुँच चुके हैं, पालमपुर के नियर भाई ढाबा खुला है इधर, पंजाबी ढाबा खुला है, एक एक रोटी खाएंगे, एक एक रोटी जिन जाए पेट में, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे आंटी को लेने। दोस्तों थक गए हैं, नींद भी बना रही है, भूख भी थोड़ी बहुत लग रही है, भैया अपने इलाके में पहुंच चुके हैं, यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर रह गए हैं घर, उसके बाद खाना खा निकलते हैं, यहाँ से आंटी को उठाते हैं, और फिर क्या निकलते हैं, बहुत थक गया बाबा, नींद भी आ रही है, कैसा लग रहा है? दोस्तों 10:30 बज चुके हैं, पहुँच गए आंटी को लेने के लिए हम यहाँ पे, और आंटी को पिक करेंगे ककरोला से, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर, वो भी आधे घंटे की दूरी पे, तो हम ऑलमोस्ट 11:30 बजे घर होंगे और सो जाएंगे, ऐसे सोएंगे कि सीधा सुबह ही उठेंगे
कल सुबह ही देखेंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे आपको हम कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं। तो मोस्ट सुबह चल का प्लान ही रहेगा, अगर जल्दी उठ के टाइम से उठे तो टी गार्डन, नहीं तो सीधा दिल्ली नाश्ता करके। दोनों केसेस में टी गार्डन तो जाओगे जाओगे। एक गाड़ी में जाओगे, अगर दूसरे में होगे तो पैदल जाओगे। मौसम इम्पॉर्टेंट। दोस्तों आंटी को हमने बिठा दिया है, सुबह से घूम रहे हो। अब जाके आंटी के पास पहुँचे हम। रात के 11:30 हो चुके हैं, सॉरी 10:30 हो रहे हैं, 10:40 हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें लगेंगे आधा घंटा और फिर हम अजय के गेस्ट हाउस में पहुँचेंगे और फिर सोएंगे और कल का प्लान देखते हैं फिर क्या है। दोस्तों चलो गेस्ट हाउस में चलते हैं और वहाँ मिलते हैं फिर आपको। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं अजय के गेस्ट हाउस में और इस समय बज रहे हैं 12, तो अभी रात को सोएंगे और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सुबह से काफ़ी घूम रहे हैं, थक गए हैं, सोएंगे, आराम करेंगे, आप भी आराम कीजिए। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ये वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इस वीडियो फैमिली फ्रेंड्स, और अगर शेयर बनाएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर लव, बाय बाय। ऐसे ही हमारे साथ आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ और आपको कल ले चलेंगे यहाँ से दिल्ली, 2-3 और अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। बाय बाय।